जी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परिवर्तनी एकादशी भी से बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पद्मा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परिवर्तनी एकादशी भी से बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। भक्तजनों, आज हम आपको भादो मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मा एकादशी की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, कहते हैं कि पद्मा एकादशी व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मनुष्य के पापों का नाश करने के लिए इस एकादशी व्रत को उत्तम माना गया है। पद्मा एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा होती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करने से मानव को इस लोक में राजयोग और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं पद्मा एकादशी व्रत की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। भादो मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी ये आए, व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाए। किसके व्रत से मानव के सब पाप नष्ट हो जाते, जयंती एकादशी के नाम से भी इसको है बुलाते। देव झुलनी जल झुलनी एकादशी भी कहते हैं, जिसमें हरि के वामन रूप की पूजा करते हैं। कमल नयन की कमल पुष्प से जो पूजा करते, शही विष्णु जी के निकट है रहते। अंत में अपने धाम श्री हरि उन्हें बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परिवर्तनी एकादशी भी से बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा प्रिय भक्तजनों, अनेकों पुराणों में पद्मा एकादशी व्रत का महात्म्य विस्तार पूर्वक समझाया गया है। कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तों को पद्मा एकादशी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन व्रत करके भगवान विष्णु के वामन रूप की विधि विधान से पूजा करके उन्हें कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए और पद्मा एकादशी व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। एवं रात्रि में हरि जागरण करने के पश्चात सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा देने के पश्चात ही व्रत का पारण करना चाहिए। प्रिय भक्तों, व्रत रखने वाले भक्त को पद्मा एकादशी व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पद्मा एकादशी के व्रत के भक्तों जो है कथा, श्री कृष्ण के मुख से युधिष्ठिर ने था इसको सुना। क्योंकि श्री कृष्ण ही करते मार्गदर्शन, पांचों ही पांडव भाइयों पर जो रहते थे प्रसन्न। इच्छा कथा सुनने की जब उनसे युधिष्ठिर करते, श्री कृष्ण तब विस्तार से कथा का वर्णन करते। आज तो फिर से युधिष्ठिर कृष्ण के पास आए, बोले पद्मा एकादशी
सुनाते हैं। परिवर्तनी एकादशी भी से बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। भक्तजनों, युधिष्ठिर श्री कृष्ण से विनती करने लगे कि हे कृष्ण, आप सदैव ही हम पांडवों का मार्गदर्शन करते हैं और समय समय पर हमें धर्म अर्थ की शिक्षा प्रदान करते हैं। आपके श्रीमुख से ही मैंने अजय एकादशी व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुना एवं माता कुंती और द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत भी किया। अब क्योंकि भादो मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और एकादशी भी आने वाली है, अतः मैं आपके श्रीमुख से ही इस एकादशी व्रत का माहात्म्य और कथा सुनना चाहूँगा। प्रिय भक्तों, युधिष्ठिर की विनती सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें ये कथा सुनाई थी। भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए हैं जिनका नाम विरोचन, और विरोचन के घर में जो पुत्र हुआ है उत्पन्न। अपने पुत्र को विरोचन ने तो बलि नाम दिया है, दैत्य कुल में जन्म लिया पर विष्णु भक्त हुआ है। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों की वो सेवा करने वाला, अपने पिता के बाद बलि ने राजपाट भी संभाला। दैत्य राज होकर भी वो करता है, श्री हरि विष्णु जी का ही वो नाम से मरता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ऐसा नहीं चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परिवर्तनी एकादशी भी से बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि राजा बलि महान विष्णु भक्त हुआ, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने राजा बलि को कई बार समझाने का प्रयास भी किया, किंतु राजा बलि विष्णु भक्ति से विमुख नहीं हुए। वो समय समय पर अनेकों यज्ञों का आयोजन करते, ऋषि मुनियों का बहुत सम्मान करते और खूब दान दक्षिणा देते। उनकी विष्णु भक्ति देखकर इंद्रदेव को अपना सिंहासन संकट में नजर आने लगा और उन्होंने सभी देवताओं सहित राजा बलि से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। एक बार फिर दैत्यों और देवों में युद्ध हुआ, राजा बलि ने सुनो युधिष्ठिर युद्ध ये जीत लिया। जिसका डर था इंद्रदेव का छिन गया सिंहासन, निष्कासित की है। स्वर्ग लोक से निकल देवगण बड़े दुखी हुए हैं। एकत्रित होकर के विष्णु शरण में वो आए, कहने लगे के राज स्वर्ग का फिर हमें दिलवाए। विष्णु जी देवों की विनती मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परिवर्तनी एकादशी भी से बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है।
प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, राजा बलि से सभी देवता परास्त हो गए और स्वर्ग सिंहासन पर राजा बलि का अधिकार हो गया। तो सभी देवताओं ने विष्णु जी से विनती की कि उन्हें स्वर्ग लोक का राज्य फिर से दिलवाएं। तब विष्णु जी ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वो राजा बलि से उनका स्वर्ग अवश्य ही दिला देंगे। हे युधिष्ठिर, क्योंकि राजा बलि सदैव ही ब्राह्मणों को दान दक्षिणा खुलकर देते थे, तो विष्णु जी ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि के पास चले आए। राजा बलि उस समय भी यज्ञ करवा रहे थे। जो ही यज्ञ संपन्न हुआ तो राजा बलि ने सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। जब उस बौने ब्राह्मण को दान देने लगे तो उन्होंने कहा कि मुझे दान में सोना चांदी या बहुमूल्य वस्तुएं नहीं चाहिए। तो राजा बलि कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, कहिए आपकी क्या इच्छा है। बोले ब्राह्मण, ना इच्छा मुझे धन और दौलत की, दान जो देना चाहते हो तो दे दो तीन पग धरती। इतना सुनकर राजा बलि तो लगे जोर से हंसने, कहने लगे कि इतना सा क्या दान है मांगा तुमने। तीन लोक में राज्य स्थापित मैंने कर लिया है, तुमने तीन पग धरती के लिए ही बस मुझे कहा है। वामन रूप में विष्णु जी ने फिर यही दोहराया, उतना दान ही चाहिए राजन जो मैंने चाहा। तीन ही पग धरती बस राजन हम तो चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, परिवर्तनी एकादशी भी से बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, राजा बलि कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर सिर्फ एक दिन के भोजन की ही इच्छा रखते हैं। पृथ्वी सहित स्वर्ग लोक पर भी मेरा अधिकार है और आप तीन पग भूमि दान में मांग रहे हैं। तो विष्णु जी कहने लगे, हाँ राजन, मुझे मात्र तीन पग भूमि दान में चाहिए। तो राजा बलि कहने लगे, उचित है, जहां से चाहिए तीन पग भूमि नाप कर ले ले। विष्णु जी ने एक ही पग में धरा और दूसरे पग से अंबर को नाप दिया। इसके पश्चात श्री हरि विष्णु राजा बलि से पूछने लगे, हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि तो समझ गए विष्णु जी की माया, वामन रूप के आगे उन्होंने अपना शीश झुकाया, कहने लगे कि मेरे शीश पर अपना पाँव रख लो। जान गया मैं आप स्वयं ही श्री हरि विष्णु हो। विष्णु जी ने अपना पाँव फिर उनके शीश रखा, सर पर रख कर पाँव उन्हें पाताल में पठा दिया, और पाताल लोक का राजा उन्हें बनाया है, खरा लोक और स्वर्ग लोक को मुक्त कराया है। श्रद्धा देख कर विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, परिवर्तनी एकादशी भी से बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है।
भक्तजनों, श्री कृष्ण कहने लगे कि राजा बलि के श्रद्धा भाव से विष्णु जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया और राजा बलि से कहने लगे, हे बलि, तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांगो। तो राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो मेरे साथ पाताल लोक में ही विश्राम करें। हे युधिष्ठिर, विष्णु जी सोच रहे थे कि मैंने राजा बलि को बांध लिया, किंतु वास्तव में तो राजा बलि ने विष्णु जी को बांध लिया था। अपने भक्त को दिए वचन के अनुसार विष्णु जी को पाताल लोक में विश्राम करना पड़ा। यही है वो समय, युधिष्ठिर सुन लो चातुर्मास, राजा बलि के साथ हरि ने जब है किया निवास। इतना जानकर सभी देवता चिंतित हो जाते हैं, मुनि नारद फिर माँ लक्ष्मी के पास में आते हैं। मुनि नारद ने माता लक्ष्मी से ये पूछा है, क्यों हो माता आप अकेली, विष्णु जी कहाँ है? वचनों में बंध गए विष्णु जी, माता ने कहा, आप बताए हैं मुनि नारद इसका उपाय है क्या? मुनि नारद फिर माता को युक्ति बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, परिवर्तनी एकादशी भी से बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मुनि नारद ने फिर माता लक्ष्मी को बताया कि हे माता, आप राजा बलि को भाई बनाकर उसे राखी बांध दें और उपहार स्वरूप विष्णु जी को मांग लें। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मुनि नारद की बताई युक्ति से ही माता लक्ष्मी वेश बदल कर राजा बलि के पास आई और उन्हें राखी बांध कर विष्णु जी को मांग लिया। तब राजा बलि ने वचन दिया कि योग निद्रा से बाहर आते ही वो विष्णु जी को क्षीर सागर में भेज देंगे, किंतु उन्हें हर वर्ष 4 माह के लिए मेरे पास रहना ही होगा। माता लक्ष्मी भी इस बात को मान गई। तब से श्री हरि विष्णु जी 4 माह तक राजा बलि के पास जाकर योग निद्रा में चले जाते हैं। विष्णु जी तो 4 मास तक हर एक वर्ष ही आए, राजा बलि के वचनों में आखिर वो बंद ही जाए। 4 माह तक अब भी योग निद्रा में रहते हैं, पद्मा एकादशी के दिन वो करवट लेते हैं। परिवर्तनी एकादशी इस कारण बोली जाए, को निद्रा से बाहर आए। राजा बलि ने माता को दिया वचन निभाया है, जागे योग निद्रा से तो फिर उन्हें बताया है। माता लक्ष्मी की उनको वो याद दिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, परिवर्तनी एकादशी भी से बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। प्रिय भक्तजनों, युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया कि क्योंकि श्री हरि विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर
देवताओं को राजा बलि के अधिकार से स्वर्ग को मुक्त करवाया। इसलिए पद्मा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी के वामन अवतार का पूजन किया जाता है और पूजा पाठ करने के पश्चात इसी वामन अवतार की कथा सुनी जाती है जो मैंने आपको सुनाई। हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार एकादशी व्रत में विष्णु जी का पूजन करना आवश्यक है, उसी प्रकार व्रत कथा सुनना भी आवश्यक है। अतः हे युधिष्ठिर, कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। को सुनकर भक्त हौसला और बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, परिवर्तनी एकादशी भी से बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते।